कमिश्नर रीवा ने शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए कदम उठाया, 125 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने शिक्षण सत्र 18-19 में रीवा संभाग के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों के वार्षिक परीक्षा परिणाम 30% से कम रहने वाली संस्थाओं के 125 प्राचार्यों की दो दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने की कार्यवाही की है। इनमें रीवा जिले की 25, सतना की 29, सीधी की 41, सिंगरौली के 30 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। कमिश्नर रीवा डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने रीवा संभाग के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा परिणामों पर असंतोष व्यक्त करते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार और परीक्षा परिणाम में सार्थक वृद्धि हेतु गहन वार्षिक कार्य योजना बनाने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा, विद्यार्थी जीवन विद्यार्थियों के जीवन का स्वर्णिम अवसर होता है, जहां वे ज्ञान की रोशनी प्राप्त कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए परिश्रम करते हैं। इस दौरान शिक्षकों का परिणाम मूलक मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है। इसलिए जरूरी है हमारे विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास सकारात्मक दृष्टि में हो। इस हेतु सभी स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षकों को लगन, निष्ठा और जवाबदेही की भावना के साथ शिक्षण कार्य को करना चाहिए। कमिश्नर रीवा डॉक्टर भार्गव ने कहा, स्कूल के परीक्षा परिणाम इस वर्ष अत्यंत निराशाजनक रहे। उन विद्यालयों के प्राचार्य के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आगामी शिक्षण सत्र में सुधार लाने की दृष्टि की गई है, ताकि प्राचार्य अधिक सजगता और जागरूकता के साथ शिक्षण कार्य को अंजाम दे सकें। जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम अच्छे रहे, उन स्कूलों के प्राचार्यों को समारोह पूर्वक सम्मानित भी किया गया है। रीवा संभाग में हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें जो परिणाम है वो संतोषजनक नहीं है। अधिकांश स्कूलों के परीक्षा परिणाम जो है 30% से भी कम है। तो ऐसे सभी प्राचार्य जहाँ के परीक्षा परिणाम 0 से लेकर 30% के मध्य रहे हैं, उन सबको हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया, उनसे उत्तर प्राप्त किया, उनके उत्तर का हमने जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन से परीक्षण कराया और उनके उत्तर समाधान कारक न पाए जाने पर हमने दो वेतन वृद्धि रोकने के उनके आदेश पारित किए हैं। इस दंडात्मक कार्रवाई का मकसद यह है कि ये भविष्य में और अधिक सजगता के साथ, तत्परता के साथ, जवाबदेही के साथ छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और जिनके परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं उन्हें हमने सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया है, प्रोत्साहित भी किया है। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि अब भविष्य में छात्रों के जो परीक्षा परिणाम हैं वे संतोषजनक हों और इसके साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक विकास हो। इसके लिए हमने सभी संभागीय के जितने भी जिले हैं, चारों जिलों में जिला स्तर पर हमने प्रेरणा संवाद सीधे प्राचार्य और शिक्षकों के साथ बैठकर हमने स्थापित किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। और